और अब आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। वाराणसी सीजेएम कोर्ट में 4 जुलाई को होगी वीडियो लीक मामले पर सुनवाई। बड़ी खबर है, सर्वे के वीडियो लीक पर सुनवाई होनी है। इंतजामिया कमेटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग पर भी सुनवाई होनी है और विश्व वैदिक सनातन संघ ने दी है एफआईआर कराने की अर्जी। बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं, कमेटी पर प्लेसेस ऑफ वॉरशिप एक्ट के उल्लंघन का आरोप है और इस मामले को लेकर अब अगली सुनवाई होनी है। ये बड़ी खबर है, विश्व वैदिक सनातन संघ ने एफआईआर कराने की अर्जी दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी ट्विस्टन पर। और वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता दें, जिला जज ने सर्वे रिपोर्ट लेने से मना किया है, सील बंद लिफाफे को वापस लेने से मना किया। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, वाराणसी से निकलकर सामने आ रही है। वादी महिलाएं सर्वे रिपोर्ट वापस करने के लिए गई थी, जिला जज ने सर्वे रिपोर्ट वापस लेने से मना कर दिया है। बड़ी खबर है ये। 4 जुलाई को लीक वीडियो से संबंधित आदेशों का पारित ये जज की तरफ से कहा गया है और मुस्लिम पक्ष ने भी कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। लीक वीडियो पर कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है। तो जिला जज ने सर्वे रिपोर्ट लेने से मना किया और सीलबंद लिफाफे को वापस लेने से मना किया है। वादी महिलाएं सर्वे रिपोर्ट वापस करने गई थीं, लेकिन मना कर दिया गया, जिला जज ने सर्वे रिपोर्ट लेने से इनकार कर दिया है। 4 जुलाई को लीक वीडियो से संबंधित अब आदेश पारित होगा, इस बात की जानकारी जज की तरफ से दी गई है। मुस्लिम पक्ष ने भी कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र दिया था और अब लीक वीडियो पर कार्रवाई के लिए जो प्रार्थना पत्र दिया गया है उसी पर खबर यह है कि 4 जुलाई को अब आगे की कार्रवाई बढ़ने वाली है। जज की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है, आदेश पारित होगा अब 4 जुलाई को। तो ये बड़ी खबर, अपडेट क्या आ रही है वाराणसी से निकलकर इस पूरे मामले पर, वो हम आपको बता रहे हैं। जिला जज ने सर्वे रिपोर्ट लेने से इनकार कर दिया है, सीलबंद लिफाफे को वापस लेने से मना किया है। आपको यहां पर बता दें, वादी महिलाएं सर्वे रिपोर्ट वापस करने के लिए गई हुई थी।